के जो मोदी जी दम्भ भरते थे कि हम बहुत बड़ी तोप हैं लोकतंत्र में, वो वहाँ आ गए हैं कि आज एक हाथ से उन्होंने अपना पजामे का नाड़ा पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पजामा पकड़ रखा है कि तुम मुझे छोड़ के मत भाग जाना नहीं तो मेरा पजामा गिर जाएगा। क्या शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब में जो जातियाँ मजबूत होगी उन्हें कमजोर कैसे किया जाए? और मोदी जी यही चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है और जो पीडीए का नारा लेकर के घूम रहे थे वो भी यही चाहते हैं। ये वो समाज है कि जिसने अम्बेडकर के कहने पर 3000 साल पुराने रखे हुए देवी देवता घर से बाहर निकाल के फेंक दिए। ये वो समाज है कि जब जिसको नकारता तो फिर नकार देता है। योगी को हटाना इतना कठिन है इनके लिए, सांप और चकचुंदर वाला हाल हो रहा है, ना तो उगले बन रहा है और ना निगले बन रहा है। योगी के बाद में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, उनकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो 100 विधायक ले आए, भगवा पहन रखा है और उन्हें कुछ इसके सवाल दिखाई देता नहीं है। बिल्डोजर की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना खाता ना बही, योगी जी जो कहते वही सही। ये संविधान लेकर के घूम जरूर रहे थे, पढ़ा इन्होंने भी नहीं है, इनको भी नहीं पता पीडीए का मतलब क्या है। जाति के आधार पर, आंकड़ों के आधार पर तुम लोगों को इकट्ठा कर सकते हो लेकिन उनको ज्यादा दिन तक अपने साथ जोड़ करके नहीं रख सकते। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं राहुल नागपाल जी और हम इनसे बात करने वाले हैं कि 2 कार्यकाल के बाद मोदी जी अब तीसरे कार्यकाल में आए हैं और तीसरे कार्यकाल में वो जो है वो बहुमत के साथ नहीं है, तो कितना अंतर पड़ा है उनके चाल चरित्र चेहरे में, तो इस मुद्दे पर बात करेंगे। सर पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल। धन्यवाद। तो राहुल जी आप क्या सोचते हैं, पिछला जो 2 कार्यकाल था मोदी जी का वो बहुमत में थे, उसके पहले वो जो बहुमत में गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे थे, पहली बार अपने जीवन में वो जो है समझिए तो समर्थन की सरकार चला रहे हैं, अब लगभग 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है, क्या लगता है चाल चरित्र चेहरा कुछ बदला है उनका भाजपा का? एक वीडियो उनका पूर्ण बहुमत की सरकार का बड़ा वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा तो देखना जी। अरे एक अकेला मोदी सब पर भारी है, ये सदन में भाषण था उनका, ये सदन की भाषा थी। हाँ बिल्कुल, ये वीडियो मैंने भी देखा है और ये बड़ा वायरल भी हुआ था। अभी हाल ही का जो उनका भाषण है तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद में, वो सभापति से कह रहे हैं कि सभापति महोदय ये क्या हो रहा, लोग हमें बोलने नहीं दे रहे हैं। ये 2 बातें एक ही प्रधानमंत्री की हैं, नरेंद्र मोदी जी ने उसी सदन में खड़े होकर के 2 बात कही हैं। जो प्रधानमंत्री ये कहता था दम्भ भरते हुए कि एक अकेला मोदी सब पर भारी है, बीजेपी के लोग कहते थे कि शेर अकेला चलता है, आज वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने के बाद में कह रहा है कि हमें बोलने नहीं दिया जा रहा है। ये लोकतंत्र की ताकत है, ये संविधान की ताकत है। तो आप इससे समझ गए होंगे, आपके सवाल का जवाब शायद ये बेहतर है कि जो मोदी जी दम्भ भरते थे कि हम बहुत बड़ी तोप हैं लोकतंत्र में, वो वहाँ आ गए हैं कि आज एक हाथ से उन्होंने अपना पजामे का नाड़ा पकड़ रखा है और दूसरे हाथ से उन्होंने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू का पजामा पकड़ रखा है कि तुम मुझे छोड़ के मत भाग जाना नहीं तो मेरा पजामा गिर जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि समर्थन की सरकार चलाने का मतलब ये है कि आज वो बेचारे कहीं ना कहीं असहाय महसूस कर रहे हैं। आपने बिल्कुल सही बात कही कि उनका ये वीडियो वायरल हुआ है, लेकिन अगर हम देखते हैं कि जिस प्रकार से पोर्टफोलियो का बंटवारा हुआ और उसके बाद जिस तरह से नायडू जी की पार्टी को भी और ना ही नीतीश बाबू की पार्टी को कुछ वैसा मिला, ना ही लोकसभा अध्यक्ष का पद मिला ना ही उपाध्यक्ष का पद मिला, और जिस तरह के अभी फैसले भी आ रहे हैं, अब 2 महीने हो चुके हैं और उनकी जो कार्यशैली है लगभग वही है, तो ऐसे में ठीक है वीडियो की बात अलग है वो जो बोल रहे हैं, लेकिन नीति बनाने में ऐसा कुछ अंतर आया आपको, ऐसा लग रहा है उनके फैसले से कुछ नरमी आई है, भाषा में नरमी आई है? और रहा सवाल नीतियों का, तो नीति जो बन रही है ये जिन लोगों का आपने जिक्र किया, नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू या अन्य जो उनके घटक दल हैं, ये नीति उन्हीं के विचार करके बन रही है। अब इसमें ये कहना कि बिहार के लिए क्या कुछ स्पेशल मिला या चंद्रबाबू नायडू के लिए क्या मिला, बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, बहुत सारी चीज़ें दिखती नहीं हैं। एक होता है कि बिहार के लिए कुछ ले लेना तो प्रदेश के लिए लेना, व्यक्तिगत कुछ ले लेना, तब ये भी हो सकता है कि प्रदेश के लिए नहीं लिया तो व्यक्तिगत ले लिया है, तो व्यक्तिगत क्या लिया ये जांच का विषय है, कहाँ क्या समझौता हुआ है, कौन से मुकदमों में समझौता हुआ है, कहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ेगा, कहाँ जो है ईडी का छापा नहीं पड़ेगा, कहाँ आपका भविष्य में ख्याल रखा जाएगा, कहाँ आपके मंत्री विधायकों का ख्याल रखा जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिखती नहीं है, पर्दे के पीछे ही बहुत सारे समझौता होते हैं। अभी एक खबर चल रही थी कि योगी जी को हटाया जाएगा, तो सबसे बड़ी खबर यही थी कि खबर ही चल रही थी, तो क्योंकि कई बार ये मेनस्ट्रीम मीडिया में जो खबर चलती है वो प्रायोजित होती है, तो खबर चली कि शायद हट सकते हैं नहीं हट सकते हैं, मतलब केपी मौर्या भी दिल्ली आए और गए और कुल मिला के अभी भी योगी जी बने हुए हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि हटा भी नहीं सके, क्या लगता है उनका रहना ज़्यादा अभी फ़ायदेमंद है भाजपा के लिए, बाकियों के लिए कितना नुकसानदायक है या फ़ायदेमंद है, ये क्या हुआ और आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? देखिए योगी को जो लोग नहीं जानते हैं
वो योगी से पंगा ले सकते हैं, जो लोग योगी को जानते हैं वो योगी से पंगा नहीं ले सकते। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं आपके दर्शकों को कि आदित्यनाथ योगी गोरखपुर से सांसद बीजेपी के टिकट पर रहते थे और उनका जो अपना संगठन है हिंदू युवा वाहिनी उसके समर्थन से गोरखपुर में 3-4 विधायक वो जिताते थे बीजेपी के खिलाफ लड़ा करके। तो आप समझ सकते हैं कि आदित्यनाथ योगी कितनी बड़ी फिल्म है कि वो खुद बीजेपी के टिकट पर सांसद जीतते थे और अपने संगठन से के समर्थन से निर्दलीय विधायक जिता करके लाते थे अपनी ताकत दिखाने के लिए और बाद में बीजेपी के साथ बार्गेनिंग करते थे कि अगर हमें सांसद नहीं बनाओगे तो हम तुम्हें जीतने नहीं देंगे। तो आदित्यनाथ योगी को हटाना इतना कठिन है इनके लिए, श्याम और चकचुंदर वाला हाल हो रहा है ना, तो उगले बन रहा है और ना निगले बन रहा है। अन्य स्टेटों में किसी को हटा करके बना देते हैं, जैसे हरियाणा में बदल दिया, खट्टर की जगह सैनी लाए और कई जगह बदल दिया, कोई विरोध नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पर योगी इतना मजबूत है कि उनको हटाना बड़ा कठिन है और वो बड़ा टेढ़ा काम बनना है। जैसे अभी अखिलेश यादव ने कहा कि हम तो कह रहे हैं 100 विधायक लाओ और क्या नाम है मुख्यमंत्री बन जाओ, तो इससे बड़ा ऑफर तो हो नहीं सकता था। इसका मतलब जो लोग योगी के बाद में मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं उनकी औकात इतनी भी नहीं है कि वो 100 विधायक ले आए। तो जब उनके पास 100 विधायक हैं ही नहीं, जिनके पास समर्थन ही नहीं है, तो फिर सरकार भी उनको कैसे, बीजेपी भी उनको किस आधार पर मुख्यमंत्री बना देगी? बीजेपी भी मुख्यमंत्री बनाने के लिए चाहे तो शर्मा जी हों चाहे मौर्य जी हों, जिसको भी मुख्यमंत्री बनाएगी उसका वजन भी देखेगी। अभी तो सरकार को बैलेंस कर रखा है, एक हीटर को ठंडा करने के लिए तो कूलर लगा रखे हैं, एक मौर्य जी और एक पंडित जी पाठक जी। तो आप समझिए, चाहे तो ब्रजेश पाठक हों और चाहे मौर्य जी हों, ये हीटर हैं जो मोदी जी को थोड़ा सा ठंडा रखते हैं। और मोदी जी का स्वभाव क्या पूरा देश जानता है, वो हिंदुत्व का दिमाग में है, भगवा पहन रखा है और उन्हें कुछ इसके सवाल दिखाई देता नहीं है। बिल्डोजर की सरकार चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर, ना खाता ना बही, योगी जी जो कहते हैं वही सही, तो ये सच्चाई है। अच्छा, एक शब्द में उत्तर दीजिएगा, योगी जी भाजपा के लिए मजबूती हैं या मजबूरी हैं? मजबूरी है, भाजपा नहीं चाहती कि उनकी पार्टी में इतना मजबूत नेता कोई हो कि जिसके सामने उनकी चले ना। जैसे मोदी ब्रांड बन गया तो आरएसएस ने हाथ खींचा इस चुनाव में, हल्का सा पीछे मैनेजमेंट से हाथ में पीछे गए तो मोदी को थोड़ा कमज़ोर करा। तो आपने देखा होगा चुनाव के बाद में मोहन भागवत और मोदी की हल्की सी टकराव भी रही, जबकि आज से पहले ऐसा देखा नहीं गया, लेकिन अब देखा गया है। आरएसएस ये चाहती है कि बीजेपी का जो भी नेता है उनके इशारे पर चले, वो जब नागपुर बुलाए जब नागपुर आए, मोदी जी जाते रहे, लेकिन बाबा आदित्यनाथ योगी कभी नागपुर शायद ही गए हों, मुझे तो ध्यान नहीं, कभी गए हैं वो तो वो नहीं गए। तो आदित्यनाथ योगी का अपना कद है, उनका अपना स्टाइल है राजनीति करने का, उनका अपना हिंदुत्व है, उनका उनके उनके यहाँ जो मतलब समझौता नहीं है। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि इस बार आरएसएस ने मतलब कुछ ऐसा किया कि जिससे कि बहुमत से दूर रहे, आप ये कहना चाहते हैं? आरएसएस ने पूरी तरीके से ताकत नहीं लगाई, दूसरा ताकत लगाई भी लेकिन उतनी नहीं लगाई क्योंकि मोदी जी के साथ उठापटक चल रही थी। दूसरा, जो संविधान को लेकर के और आरक्षण को लेकर के और पीडीए का नारा देकर के ये जो कांग्रेस समाजवादी पार्टी और इंडिया एलायंस बना, इसने जो मुद्दे उठाए वो जेन्युइन मुद्दे थे, उनके लिए शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब मोस्ट बैकवर्ड जो है वो तड़फ रहा था। बसपा हाशिए पर चली गई और कोई नेता था नहीं, मायावती थोड़ी सी दमदारी से चुनाव लड़ जाती, इंडिया गठबंधन में मायावती और प्रकाश राव अम्बेडकर आ जाते तो मोदी जी का सफाया हो जाता। आप विश्लेषण आप जाकर के देख लीजिए, उत्तर प्रदेश की 18, मध्य प्रदेश की 1 सीट, 19 सीट बीजेपी को बसपा ने जितवाई है और महाराष्ट्र के अंदर 5 सीट प्रकाश राव अम्बेडकर ने जितवाई है, तो 19 और 5 24 और 6 सीट और मान लो जब आती है तो 30 सीट। 30 सीट अगर मोदी जी के खाते में कम हो जाए तो कहां सरकार बन रही थी? ये तो सरकार ही प्रकाश राव अम्बेडकर और मायावती ने बनवाई है। तो ये सच्चाई है कि वो जो बनी है सरकार इनकी वजह से बनी है, ये चाहते तो नहीं बनती। शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब और मोस्ट बैकवर्ड जो लगभग 50% आबादी है जिनकी, वो बेचारे इस चक्कर में थे कि कैसे मोदी से पीछा छूटे, तो वो इनके साथ लग गए जो हाथ में संविधान लेकर के घूम रहे थे। हालांकि ये भी कोई दूध के धुले तो है नहीं, ये संविधान लेकर के घूम जरूर रहे थे, पढ़ा इन्होंने भी नहीं है, इनको भी नहीं पता बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने किस संदर्भ में क्या बात की, इनको भी नहीं पता पीडीए का मतलब क्या है। जाति के आधार पर आंकड़ों के आधार पर तुम लोगों को इकट्ठा कर सकते हो लेकिन उनको ज्यादा दिन तक अपने साथ जोड़ करके नहीं रख सकते। आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, अखिलेश यादव के भाई तो समर्थन कर रहे हैं कि हम तो समर्थन करते हैं, अखिलेश यादव ने तो कोई ट्वीट किया नहीं है, कांग्रेस तो कोई बात कर नहीं रही है, मायावती बोल रही है, चंद्रशेखर बोल रहे हैं, चिराग पासवान बोल रहे हैं क्योंकि नुकसान उनको होना है, जतिन राम मांझी समर्थन कर रहे हैं। तो ये सारे जो उठापटक और गुणा भाग है वो इसी बात को लेकर के है कि शेड्यूल कास्ट में शेड्यूल ट्राइब में जो जातियाँ मजबूत होगी उन्हें कमजोर कैसे किया जाए, और मोदी जी यही चाहते हैं, सुप्रीम कोर्ट भी यही चाहता है और जो पीडीए का नारा लेकर के घूम रहे थे वो भी यही चाहते हैं। अच्छा, एक सवाल और है कि अब तो लोकसभा चुनाव हो चुके हैं और अब कुछ ही दिनों में यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव होने वाले हैं जहाँ संसदीय सीट खाली हुई है,
आप जितना राजनीति पे नज़र रखते हैं, आप अपनी नज़र से बताइए क्या लगता है कि कौन सी पार्टी इन जो है विधानसभा चुनाव में, क्योंकि मुद्दे बदल जाते हैं, कि कौन सी पार्टी वहाँ पर सबसे ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन करने वाली है। अखिलेश यादव अभी लगातार अपने पीडीओ को लेके जो है बिल्कुल उतरे हुए हैं, उन्होंने ब्राह्मण, हाँ ठीक है, पीडीओ में उन्होंने कह दिया, सही बात है, माता प्रसाद पांडे को उन्होंने विधानसभा वो अपना नेता प्रतिपक्ष बनाया, ठीक है। आपको क्या लगता है, आज़ाद समाज पार्टी भी है, बसपा भी है, भाजपा भी है, और देख लीजिए तो अब जो ये समाजवादी पार्टी भी है। एक लाइन में अगर मैं उत्तर दूं तो एक लाइन का उत्तर ये है कि इंडिया गठबंधन जो था, अगर इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ता है, इंडिया वर्सेस एनडीए होता है उत्तर प्रदेश की 10 उपचुनाव विधानसभा की सीटों पर, अगर इंडिया गठबंधन चंद्रशेखर को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि चंद्रशेखर ताकत दिखा चुके हैं, दो लोकसभा लड़े थे, एक वो जीते और एक 80,000 से ज़्यादा वोट पड़ा है, अगर और भी लोकसभा लड़ते तो वो और भी फायदे में रहते, तो चंद्रशेखर को इग्नोर करना इंडिया गठबंधन के लिए नुकसानदायक होगा। लिहाजा इंडिया गठबंधन अगर जीत चाहता है, बीजेपी को हराना चाहता है, तो चंद्रशेखर के साथ बैठ करके बातचीत करें, क्योंकि इस समय दलित समाज का जो वोट है और उसमें भी खासतौर से जो जाटव चमार और अन्य पासी वोट है, वो चंद्रशेखर को उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, मेरा अपना ये मानना है। बसपा के लिए विधानसभा में कोई उम्मीद है या नहीं? कोई उम्मीद नहीं है बसपा को। देखिए मैं आपको एक लाइन में बता दूँ, शेड्यूल कास्ट में खासतौर से जो जाटव चमार है, जो अम्बेडकरवादी है, वो इतना समझदार है कि वो जब किसको सर पे बिठाता है तो बिठा लेता है, और जब उतारता है तो फिर पूछता नहीं है। ये वो समाज है कि जिसने अम्बेडकर के कहने पर 3,000 साल पुराने रखे हुए देवी देवता घर से बाहर निकाल के फेंक दिए, उसने कहा नहीं चाहिए, जाओ, हमें देवताओं की जरूरत नहीं, महात्मा की जरूरत नहीं। ये वो समाज है जिसने कांशीराम के कहने पर, जिसको हमेशा से वोट दे रहे थे कांग्रेस को, साइडलाइन कर दिया। ये वो समाज है कि जब जिसको नकारता तो फिर नकार देता है। और शेड्यूल कास्ट कभी भी जब से देश आज़ाद हुआ है, खास तौर से आज तक शेड्यूल कास्ट कभी नेता विहीन नहीं रहा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर रहे, उनके बाद में जैसे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर गए तो उनके बाद में उत्तर भारत में बीपी मौर्य, शंकरप्रिय गौतम आए, जैसे वो कमजोर हुए तो फिर कांशीराम आए, कांशीराम गए तो फिर मायावती थी, मायावती कमजोर हुई तो चंद्रशेखर और जिग्नेश मेवानी नए लड़के तैयार हो गए। तो ये अपना नेता चुन लेता, थोड़े दिन के किसी के घर में शिफ्ट हो सकता है, जैसे इंडिया गठबंधन इस बार चला गया, लेकिन जैसे ही चंद्रशेखर मजबूत होगा तो वो सारे का सारा उधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो इंडिया गठबंधन को 2000 अभी जो चुनाव होने वाला उपचुनाव, उसमें अगर वो इंडिया गठबंधन कांग्रेस को अगर इग्नोर, इसको चंद्रशेखर को इग्नोर करेंगे तो भारी भूल करेंगे और नुकसान उठाएंगे। क्या लगता है आने वाले चुनाव में भारत किस तरफ आगे बढ़ेगा, और यहाँ की जनता किस तरह के विचारधारा के साथ, क्योंकि इस बार संविधान पहली बार पूरे भारत में आज़ादी के बाद संविधान के मुद्दे पर चुनाव लड़ा गया, आने वाले समय में भाजपा, कांग्रेस और जो बाकी अन्य पार्टियाँ हैं, तो क्या लगता है जनता किधर जाएगी? जनता दो हिस्सों में बटी हुई है। एक वो लोग हैं जो इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। दूसरे वो लोग हैं जो इस देश को लोकतांत्रिक ढांचे को, संविधान को, अपने अधिकारों को, फंडामेंटल राइट्स को बचा करके इस देश की जमहूरियत को बचाना चाहते हैं। इतनी सी बात है। इस बार जमहूरियत को बचाने वाले, संविधान को बचाने वाले, लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने वाले, फंडामेंटल राइट्स को बचाने वाले लोगों की जीत हुई है कहीं ना कहीं। और निश्चित रूप से इन फ्यूचर, क्योंकि धर्म की राजनीति ज़्यादा दिन नहीं चलती, पेट सबके पास है, उसमें आते हैं, आते खाली होती है, खाली हाथों को भरने के लिए रोटी चाहिए, रोटी के लिए पैसा चाहिए, पैसा के लिए रोजगार चाहिए, वो एक सिस्टम है। तो कहीं ना कहीं धर्म की राजनीति बहुत हो गई है। अंततः जीतेगा संविधान, जीतेगा लोकतंत्र, और वही पार्टी जीतेंगी जो संविधान और लोकतंत्र और लोकतांत्रिक ढांचे को बचाने की बात करेगी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।